पंजाब में रापर जिले के चमकौर साहिब कस्बे से कुछ दूरी पर अनाज मंडी के सामने डेरा डालकर बैठे घुमंतू कबीले के प्रमुख उजागर सिंह ने अपनी सभी गाड़ियों और झोपड़ियों पर कांग्रेस के झंडे लगा रखे हैं। जब पूछा कि यह क्या है तो उजागर सिंह बोला, चन्नी जी, साडा सीएम चमकौर साहिब पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी का विधानसभा क्षेत्र है और चन्नी का डाउन टू अर्थ नजर आना ही उन्हें पंजाब के बाकी राजनेताओं से अलग करता है। इस सीट पर इस बार भी सीएम चन्नी का मुकाबला आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट डॉक्टर चरणजीत सिंह से हैं, उन्हें भी इलाके के लोग चन्नी के नाम से ही जानते हैं। चन्नी सीएम बने तो चमकौर साहिब विधानसभा सीट पहली बार पटियाला, लंबी, जलालाबाद और अमृतसर की तरह लाइमलाइट में आए। बेशक उन्हें सीएम बने महज 111 दिन हुए हों, मगर चमकौर साहिब विधानसभा सीट के एरिया में दाखिल होते ही एहसास हो जाता है कि यह किसी वीवीआईपी का हल्का है। साफ सुथरी रोड और सड़कों के किनारे लगी इंटरलॉकिंग टाइल्स। इलाके के लोग खुद मानते हैं कि 4 महीने पहले तक यह हल्का ऐसा नहीं था। दरअसल 111 दिन के अपने कार्यकाल में चन्नी सीएम पद को वीवीआईपी कल्चर से निकालकर आम आदमी की पहुंच तक ले जाने में कामयाब रहे हैं। वो समाज में अभी तक उपेक्षित रहे तबके के बीच यह भरोसा जगाने में सफल रहे हैं कि वह भी समाज का अहम हिस्सा है। चन्नी इसी भरोसे को अब मजबूत बनाने में जुटे हैं। एक बार निर्दलीय और 2 बार कांग्रेस के टिकट पर इस सीट से जीतने वाले चन्नी चौथी बार चुनाव मैदान में उतरे हैं। आचार संहिता में भी चल रहा काम एक और बात, पंजाब की तमाम हॉट सीट में चमकौर साहिब संभवतः इकलौता ऐसा एरिया है जहां आचार संहिता के दौरान भी निर्माण कार्य चल रहे हैं। चमकौर साहिब के एक तरफ बिल्डिंग का काम चलते देखकर पूछा तो पता चला कि यह श्री गुरु गोबिंद सिंह स्किल्ड यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग है। चमकौर साहिब कस्बे के अंदर दाखिल होते ही हेरिटेज स्ट्रीट बनाई गई है। अमृतसर की हेरिटेज स्ट्रीट की तरह यहां भी लाल पत्थर इस्तेमाल किए गए हैं। इसका उद्घाटन खुद चन्नी ने किया। लोगों का मानना है कि अगर चन्नी वापस सीएम बने तो इलाके का विकास कई गुना तेजी से होगा। निर्दलीय कैंडिडेट से सीएम तक का सफर चरणजीत सिंह चन्नी के चमकौर साहिब से चुनाव लड़ने से पहले यह सीट अकाली दल की मानी जाती थी। अकाली दल की सतवंत कौर यहां से 4 बार एमएलए चुनी गईं और कैबिनेट मंत्री भी बनी। 2007 में चन्नी आजाद कैंडिडेट के रूप में यहां से मैदान में उतरे और जीत दर्ज की। उसके बाद वो कांग्रेस में शामिल हो गए। वर्ष 2012 में कांग्रेस ने चन्नी को यहां से टिकट दिया। चन्नी तो जीत गए मगर कांग्रेस बहुमत के आंकड़े तक नहीं पहुंच पाए। चन्नी विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बने। 2017 के चुनाव में अकाली दल ने यहां से पूर्व एमएलए सतवंत कौर के परिवार को टिकट नहीं देते हुए नए चेहरे के रूप में जस्टिस निर्मल सिंह पर दांव खेला। सतवंत कौर का परिवार इससे नाराज हो गया और अकाली दल का साथ नहीं दिया, जिससे पार्टी की बुरी हार हुई। कुछ समय पहले पूर्व मंत्री सतवंत कौर के बेटे AIG हरमोहन सिंह ने अकाली दल छोड़कर BSP ज्वाइन कर ली। अब 2022 में वो इस सीट से अकाली दल BSP गठबंधन के सांझे उम्मीदवार हैं। इस बार भी चन्नी VS चन्नी चमकौर साहिब सीट पर इस बार भी मुकाबला चन्नी VS चन्नी है। दरअसल इस सीट पर कांग्रेस की ओर से लड़ रहे चरणजीत सिंह चन्नी का सामने आम आदमी पार्टी ने डॉक्टर चरणजीत सिंह को टिकट दिया है। चमकौर साहिब इलाके के लोग उन्हें भी प्यार से चन्नी ही बुलाते हैं। 2017 में यहीं से आपके टिकट पर चुनाव लड़ने वाले डॉक्टर चरणजीत सिंह को 48,752 वोट मिले थे और वो दूसरे नंबर पर रहे थे। हालांकि तब चुनाव हारने के बाद डॉक्टर चरणजीत सिंह ने इलाके के लोगों से ज्यादा रास्ता नहीं रखा। वैसे इस बार इलाके में आपकी हवा है और लोग अरविंद केजरीवाल, भगवंत मान और झाड़ू को वोट देना चाहते हैं, जिसका फायदा आप कैंडिडेट को मिल रहा है। सरकारी मंडी में चन्नी का ऑफिस, सीएम चरणजीत सिंह चन्नी का मुख्य चुनाव दफ्तर चमकौर साहिब की सरकारी अनाज मंडी में बना हुआ है। वहां की दीवारों पर भी कांग्रेस पार्टी के पोस्टर लगे हैं। हालांकि किसी सरकारी अधिकारी ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की। लोगों से भी पूछा तो हंस पड़े। यहाँ के लोगों को चुनाव आयोग के विजिल ऐप की जानकारी भी नहीं है।